सवाल नाचे जवाब गुम है, कहाँ कटी है हिसाब गुम है। उन्नीस तक रूस का कब्जा था, लेकिन इस कब्जे के दौरान भी जंग जारी रही। दिन रात गोलाबारी होती थी। अफगानी मुजाहिदीन को अमेरिका की मदद हासिल थी। मुजाहिदीन इतने ताकतवर हो गए कि रूस को शिकस्त दी थी। 1989 में रूस तो चला गया, लेकिन अमन इस खित्ते को नसीब नहीं। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर रहते तो हमें भी ये बदअमनी झेलनी पड़ती। मुजाहिदीन पहले आपस में और फिर अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगे। हर गुजरते दिन के साथ जंग बढ़ती गई। जंग इस हद तक बढ़ गई कि पूरी दुनिया में जंग शुरू हो गई। सालों तक गोला बारूद चलता रहा, इस हद तक कि हवाएं जहर आलूद हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, लोग मरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हवा सांस लेने के काबिल नहीं रही। अब जैसे ही कोई खुली हवा में सांस लेता है, हवा में फैला जहर उसे कुछ ही दिनों में मार देता है। तो आगा जान, आप लोग बाहर कैसे जाते हैं? अब हमारे पास वर्दी है ना, वर्दी पहन के जाते हैं, मुंह पर मास्क पहनते हैं ताकि सांस सही आए, इसलिए थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। आगा जान, मुझे भी वर्दी और मास्क पहना है, मैंने भी देखना है दुनिया कैसी है। दुनिया में अब देखने को बचा ही क्या, और वैसे भी जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती ना, उस वक्त तक तुम वर्दी पहनकर भी बाहर नहीं जा सकती। और 17-18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जहरीली हवा फौरन मार देती है। आगा जान, मैं 16-17-18 साल की कब होंगी? अभी वक्त लगेगा, लेकिन तुम दिल छोटा क्यों करती हो? मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, हमारा ये घर है, इसी दुनिया में हम खुश रहेंगे, और हवा में फैला जहर भी खत्म हो जाएगा। साइंसदान कहते हैं कि 20 साल लगेंगे इस जहर को खत्म होने। 20 साल कब गुजरेंगे? अभी 2046 चल रहा है, 2066 तक हो जाएंगे, 20 साल भी गुजर जाएंगे। अम्मा, मौसम कैसा है बाहर का? बाहर का मौसम जानकर क्या करोगी? कुछ भी नहीं है, हर तरफ अजीब रंग दिखाई देते हैं, और जब इंसान फेस मास्क पहन के जाता है तो रही सही कसर खत्म हो जाती है, सब कुछ धुंधला नजर आता है। बाबा, पहले सब कैसा था? पहले का टाइम बहुत अच्छा था बेटा, आबादी बहुत कम होती थी, यही कोई 1950 तक लोग शाम होते साथ ही सो जाते थे। अनाज और छत इंसान की जरूरत थी, साल में एक दो बार मेला लगता था, लोग वहां से अपने जरूरत का सामान लेते, संभाल लेते और सारा साल वही इस्तेमाल करते। फिर साइंस ने तरक्की की, और ऐसी तरक्की की कि जदीद चीजें बनने लग गई, इंसान ने हर चीज पर कुदरत हासिल करना शुरू कर दी। वो कहीं भी जा सकता था, जहाज थे, गाड़ियां थी, इंटरनेट, फोन, रोबोट भी बना लिया, ऐसी ऐसी चीजें बना ली कि इंसान की अपनी अकल तंग रह जाती थी, और वो जो मेले साल में एक या दो दफा लगते थे रोजाना लगने लग गए, दुकानों और मार्केटों की सूरत, हर रोज मेला। दुनिया ऐसी हो गई जैसे ना खत्म होने वाला मेला हो। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। बाबा, ये सब कैसे खत्म हुआ? चीजें जदीद हो गई, इंसान ने ना जाने क्या क्या तख्लीक कर ली, कीमती असासे बनने लगे,
और फिर उनमें सांसों पर कब्जा करने की जंग शुरू हो गई और वो जंग इतनी बढ़ गई दुनिया का नक्शा ही बदल गया। माँ, आपको पता है आज मैं 16 साल की हो गई हूँ। माशाल्लाह, तुम्हें सब तारीखें याद रहती हैं? तारीखें याद रखने के अलावा और है ही क्या? क्यों भाई, कौन सी तारीखों के बारे में बात हो रही है? आगा जान, मैं आज 16 साल की हो गई हूँ। वाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है। लेकिन क्या फायदा, 20 की तो नहीं हुई ना। क्यों, 20 की होके क्या करना? वर्दी और ये गैस मास्क पहनकर बाहर जाऊंगी। पहले आप कहते थे कि 17 की होगी, अब आप कह रहे कि 20 की होगी तो जाओगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब 20 की होगी ना तो तुम्हें वर्दी बनाकर मैं खुद बाहर लेकर जाऊंगा, ठीक है? जी।
अरे ऐसे नहीं, इधर लाओ मैं बताती। ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको उठाओ। अब आप उठाओ। इसकी होके क्या करना? वर्दी और ये गैस मास्क पहनकर बाहर जाऊंगी। पहले आप कहते थे कि 17 की होगी, अब आप कह रहे कि 20 की होगी तो जाओगी। ताले लगा कर आया। आखिर कब तक ताले लगाओगे? 20 साल की हो गई है, क्या बताओगे? क्या बताओगे उसे? आगाजान कहाँ गए थे? अम्मा कहाँ हैं? तुम्हारी अम्मी रिश्तेदारों के पास गई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें बताने आया था, बस खाना खा लेना। क्यों? क्यों जा रहे? मसला पड़ गया है बेटे, आकर बताता हूँ।
अवधेश, ये तेरे लिए बहुत बड़ा खम है। अल्लाह तुम्हें संभल दे, मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तू तसल्ली रख, हिम्मत कर, जाना तो सब नहीं। आगा जान कहाँ रह गए थे? परेशान हो गई थी मैं। मसले में फंस गए थे बेटा। कैसा मसला? वो अम्मा कहाँ हैं? वो रिश्तेदारों के घर रुक गई। पहले तो रिश्तेदारों के घर कभी नहीं रुकी। वो तो रिश्तेदारों के घर जाती भी नहीं थी, मजबूरी थी बेटा। क्या मजबूरी, ये तो बता दे। अपाना का भाई मर गया, इसलिए रुकना पड़ा। अल्लाह, अम्मा के भाई हैं। आपने बताया था कोई नेक इंसान मरता है तो उसे जन्नत में जगह मिल जाती है। जहरीली गैस से मरे हैं। दिल बंद हो गया था। आप परेशान ना हो, आप ही तो कहते हैं अल्लाह जो करता है, जब करता है, जैसे करता है, सही करता है। आप वर्दी बदल लें, खाना खाते हैं। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपने इतना परेशान किया, 2 घंटे से रस्सी टाप रही हूँ, भूख से मर रही हूँ, बस मरने ही वाली हूँ, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। बस बेटा, पेट भर गया। अम्मा कब आएंगी? अजीब लग रहा है। कल आ जाएंगी? आ जाएं बस, पहले हम 3 लोग हैं, 1 कम हो गया, 2 रह गए। कल आ जाएंगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? पहले कभी गई नहीं है ना, तो बस मेरा दिल ऐसे हो रहा है। सुबह की मैं अकेली हूँ, पूरा दिन रस्सी टापती हूँ,
छोड़ के तो नहीं जाती हूँ मुझे इस तरह, ऐसे तो नहीं छोड़ दें रिश्तेदार को, मेरे पास तो आना चाहिए। पता है उनको इंतजार कर रही हूँ ना मैं, अकेली होती हूँ सारे दिन, कितनी रसीदा मैं इंसान, कौन रिश्तेदार है ऐसा जरूरी। नहीं आप जाके ले आए। हाँ सच एक ना एक दिन तो पता चल जाए, कुछ दिन झूठ के सहारे गुजार दूंगा लेकिन आखिर सच तो पता चल जाएगा ना। बेहतर है खुद ही बता दूं पूरा सच। आगा जान सारे काम हो गए, अब आप मुझे कहानी सुनाएं। आज नहीं बेटा, कल सुनाऊंगा कहानी। क्यों आज? अम्मा भी नहीं है, आप कहानी सुनाए, सुना देना। इश्तीना बहुत जिद करती हो तुम, पुराने वक्तों की बात है। दो बच्चे होते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक बहुत सुस्त था और एक बहुत तेज, दोनों ही बहुत गहरे दोस्त थे। तेज भागने वाला बच्चा पढ़ाई में भी तेज था और गिर जाने वाला बच्चा पढ़ाई में भी सुस्त था। दोनों एक दूसरे को तेज और सुस्त के नाम से बुलाते थे। वक्त गुजरता गया गुजरता गया, दोनों बड़े हुए। तेज ने BSc कर ली। BSc वो डिग्री जो कॉलेज जाके होती है पढ़कर, वही। और सुस्त? सुस्त ने कुछ नहीं किया। किया? 10 जमातें पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी। तेज ने BSc के बाद CSS के इम्तिहान दिए। मैंने तुम्हें बताया था ना CSS का? मुकाबले का इम्तिहान। हाँ, मुकाबले का इम्तिहान। CSS करने के बाद तेज बहुत बड़ा अफसर बन गया। तेज का एक भाई था बातूर और बाप का नाम था कारवान खान। जब उनको इस चीज की खबर मिली बहुत खुश हुए, हवाई फायरिंग की, फूलों के हार पहनाए, पूरे गांव को सजाया गया, ढोल बजे, मिठाइयां बटी। उस वक्त CSS बड़ी बात होती थी, पूरे गांव में अरमान खान की धूम मच गई। उसी दौरान तमीर खान से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम तमीर, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या खबर है भाई? मुबारकबाद देने आया था अरमान की कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो हर कोई ताल्लुक जोड़ना चाहेगा उससे। ये तो हमारे माशरे की बीमारी है भाई, तुम्हें पता है यार। वो इनायत खान को जानते हैं आप? उसे कौन नहीं जानता तमीर। उसने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया। कैसी ख्वाहिश? मुझे लगता है वो अरमान को अपना बेटा बनाना चाहता है। आप कहें तो बात आगे चलाएं। हाँ क्यों नहीं, इस काम में तो तुम माहिर हो। मुझे तो मुझे तो फिर ये मुझ पर छोड़ दे। हाँ भाई वो तो छोड़ दिया मैंने। कारवान खान और अनायत खान की मुलाकात हुई।
अनायत खान तो पहले ही अपनी बेटी की शादी का इरादा कर चुका था और कारवान खान को जिस वक्त अनायत खान का पैगाम मौसूल हुआ था उसने तो उसी वक्त हाँ कह दी थी। रस्मी मुलाकात हुई और शादी हो गई। परिवर्ष नाम था तेज की बीवी का, वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। परिवर्ष बचपन से एक बड़ी हवेली में रही थी, उसने आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजारी थी। तेज का छोटा सा घर उसे कबाड़ खाना लगता था। कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब मर्जी आओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ऐसी अजीब बातें क्यों करती हो? जब जिंदगी अजीब हो ना तो बातें खुद ब खुद अजीब हो जाती हैं। जो बताओ तुम्हारी जिंदगी को हुआ क्या? महलों में रहती थी, कबाड़ खाने में आ गई हूँ। मेरे रिश्तेदार जब आते हैं ना तो तर्स खाते हैं मुझ पर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए शहर में घर बना लूंगा ना। जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें नया मोटरसाइकिल ले लें बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहाँ के अफसर है, तनख्वाह ही नहीं है। अच्छी खासी तनख्वाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए तुम्हें। सारे खर्चे तो पूरे कर रहा हूँ तो क्या करूँ? आपका खर्चा ही इतना है जो इतने पैसों में पूरा हो जाता है। आपके पास वैसे भी कुछ भी नहीं था, मेरे पास सब कुछ था। पता नहीं अब्बा ने क्या सोच के आपके हवाले कर दिया। देखो एक आदमी की खुद एतमादी के पीछे उसकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ होता। अगर उसकी बीवी बार बार ये कहे कि वो जरूरियात पूरी नहीं कर रहा तो वो अपना एतमाद खो देता है। अगर खुद एतमादी महसूस करनी है ना तो मेरी जरूरियात को पूरा करो। मैं चुप का रोजा तो नहीं रख सकती ना। आप ना आपको झूठे दिलासे दे सकती हूँ या ये बोल सकती हूँ कि आपने बहुत मोहब्बत की या आपने सारी जरूरत पूरी की है। वहां पे हम दूसरों को हुक्म देते थे, तुम्हारी तरह झूठे दिलासे नहीं देते लोगों को। हाँ ऐसे कैसे? राइट यार, तू बड़ा सीरियस इंसान हो गया आजकल है यार। बस कुछ ऐसा ही हो गया यार। तो एकेडमी में कितने लतीफे सुनाया करता था ना, कोई नया सुना? यार नया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही पुराना है। बाप तू बता कुछ नया है? यार मेरे पास है एक आइटम महफिल मौसीकी का। वो भाई पागल है, अच्छा खासा अफसर है, ऐसी महफिलों में मन जाया करो, नौकरी से भी जाएगा इज्जत से भी। यार मैं किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं जाता, बहुत एक्सक्लूसिव जगह है। एक औरत है वो कोई फिल्मों शिल्मों के लिए नहीं गाती, बहुत स्पेशल लोगों के लिए गाती है, मेरे जैसे। और तू भी मेरे साथ चले यार, बहुत मजा आएगा। मोहब्बत में मन तक तू क्या ढूंढता है? मोहब्बत है पागल तिजारत नहीं है, यहाँ मुड़ के जाना है आसान लेकिन कोई मुड़ के जाए इजाजत नहीं है। मोहब्बत में मन तक तू क्या ढूंढता है?
पागल तिजारत नहीं है मोहब्बत में मन तक तू क्या ढूंढता है। वाह वाह क्या बात है क्या बात है, रूह को सुकून मिल गया। बेगम साहब जरा हम सिगरेट पिए अब चलें भैया। मैंने कहा था ना जिनका गाना सुनता है सुनता ही रह जाता है। चलें? मैं यही रुकना चाहता हूँ। अच्छा फिर मुझे इजाजत दीजिए मेरा दोस्त तो यहीं बैठेगा। जरूर। क्या यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं गाना गा रही हूँ और लोग मुझ पे सिगरेट का धुआं फेंक रहे हों। तो आपको गाना गाना पसंद है? गाना गाना अच्छा लगता है लेकिन इस तरह नहीं। फिर आप क्यों गाती हैं? छोड़ें। आपको मालूम है मैंने आज वापस जाना था पर मैं नहीं जा सका। अंदाजा है मुझे। एक बात कहूँ? कहिए। सराय पर इतना ही रुकना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। सराय कभी घर नहीं हुआ करते। मुझे लगता है मेरी ज़रूरत अभी तक पूरी नहीं हुई। कुछ देर और सुनना चाहता हूँ आपको। ज़रूरत नहीं, आप दो चार दिन आए आदत हो गई है आपको। खैर ज़रूरत हो या आदत, मुंह जोर हो जाए तो भारी कीमत वसूल करते हैं। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। आपको पता है मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कही थी? क्यों? जब मैं गाना गाती थी तो सब कहते थे और गाओ और गाओ, साथ सब चलना चाहते थे मगर हाथ कोई नहीं पकड़ना चाहता था। आप वो पहले इंसान थे जिसने कहा अगर इस तरह गाना अच्छा नहीं लगता तो क्यों गाती हो। मुझे लगा कोई तो है जो ये सोच रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, वरना तो सब अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करना चाहते थे और मुझसे जलील होते थे। शुक्र है तुमने मुझसे शादी तो की। तो शादी ना करता तो मैं तुम्हारे इश्क में रह गया जाता। वापस कब आओगे? जल्दी होगा। अरमगान रखमीना से शादी करके वापस आ गया। एहसन और सुस्त के अलावा किसी को इस शादी का इल्म नहीं था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। अरमगान एक दो बार रखमीना से मिलने गया, बस रखमीना ही उसकी खुशी थी और अब ये खुशी बढ़ गई थी। रखमीना माँ बनने वाली थी। इस बात की खबर जब अरमगान को मिली तो फौरन इस्लामाबाद पहुंची। बेटी हुई है जी, क्या मैं देख सकता हूँ? सॉरी, हम बच्ची की माँ को नहीं बचा सके। आप हौसला रखें। बच्ची के घर आते ही खराम मच गया, ऐसे ही जैसे कोई कयामत हो। ये कहाँ से लेके आया? वैसे कयामत से कम नहीं था वो। पता है क्यों नहीं? इस कलीज इंसान ने हमारी नस्ल तबाह कर दी है। देखे ये कौन है? ये एक थाने वाली की बच्ची है। आज एक है कल पांच होंगे, पांच के पचास होंगे। ये मेरी जिंदगी में नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी मुमकिन नहीं है। ना ये बच्ची रहेगी, ना तुम रहोगे, मैं तुम दोनों को जान से मारूंगा। अरे खुदा का वास्ता इसको लेके यहां से चले क्यों नहीं जाते?
तुम्हें पता तो है, जाओ खुदा का वास्ते, जाओ यहाँ से। दुरुष, दुरुष, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को संभालना, मेरा बाप मेरी बच्ची को मार देगा। क्या 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 हुआ है? बाप बाद में बताता, प्लीज का ख्याल रखना। सुस्त ने परेशान होकर बच्ची को छुपा लिया। अगली सुबह खबर मिली कि कारवान और बातूर ने अरमान खान को इतना परेशान किया कि उस बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल जाते जाते ही बेचारा मर गया। उसकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। अचानक तेज की मौत का सुनकर सुस्त बहुत डर गया। उसने बच्ची को घर में छुपा लिया। घर में नहीं, तहखाने में 20 साल तक, 20 साल तक। का सुनाओ क्या था? परवेश खान, सवाल नाचे जवाब गुम है, कहानी दर कहानी है, हकीकत कहानी है, सच भी एक फसाना है, जीने का बहाना है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।